हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसके जो है एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने रेटिकुलम के बारे में हमने कवर अप किया था, ईआर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगी वो आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। इसके लिए तो मैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसके लिए रिलेटेड जो है वो मैं लेके आई हूँ वीडियो। और हाँ, इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन मेम्ब्रेन, मतलब इसके तीन नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड बायो मेम्ब्रेन। सो आर यू ऑल गाइज रेडी टू नो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन? यस और नो, कमेंट मी डाउन राइट नाउ। ओके, बस आप लोग को क्या करना है, समझ में आ जाए वीडियो को, मतलब लेक्चर्स जो है आज के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है वो समझ में आ जाए, तो बस आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को तो पता ही है क्या करते हैं, चैनल को देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब और ऐसे ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है ना, ज़रूर करके रखिएगा। और बस फिर हो जाऊँगी मैं हैप्पी। और जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबके साथ शेयर कीजिए, अपने मतलब यू नो क्लासमेट्स के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो, जिससे हमारी फैमिली जो है जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए, राइट। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए ना। ओके ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझे आप लोग से पूछना था कि जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ, क्या आप लोगों को असली में पसंद आती है, आप उसे क्या लाइक करते हो, तो ज़रूर मुझे ये चीज़ भी बताइएगा, ठीक है। अगर कोई होगा सुधार लाने का या समथिंग, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल नॉट टेक इट एट नेगेटिवली, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्लाइड्स बताइएगा वो भी कैसा लगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे जो है आपके साथ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है एक पिक्चर आपके साथ शेयर किया है। ये पिक्चर शेयर करने का मोटिव ये था कि आपको पता चले कि सेल का जो लेयर होता है, आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने पढ़ा था ये, हमें पता भी है ये, ठीक है। तो ऐसा बाय द वे लुक दिखता है ये, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो बस वो थोड़ा सा है, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो बी रेडी विद दैट। ओके यस, सो सबसे पहले जान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, कैसे वो डिस्कवरी हुई, कब से ये हमें इसके बारे में जानना शुरू किया एक्चुअली में। तो ये जो था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकला था, ठीक है, जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवरी हुई थी, तब उसके बाद ही जो है हमें उसके बाद हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने में मिल गया था। किसके बारे में जानने में मिल गया था हमें? उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, तैसे ही हमें पता चल गया, देखो, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, क्या कि 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ था एंड उसके बाद से उसके ठीक बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिस्कवरी हो गया था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो जो पता है किससे बना रहता है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना रहता है। अब ये लिपिड्स किसे कहते हैं? तो फॉर न्यू पीपल, जो जिन्होंने इंग्लिश किया है अभी या जिन्हें पता नहीं है, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, तो उनके लिए बता देती हूँ, लिपिड्स जो होते हैं वो फैट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। प्रोटीन्स तो पता है आपको, अमीनो एसिड्स, राइट, हमने बचपन में या 10th में भी पढ़ा है, ग्लाइकोजन, राइट, इस सब के बारे में। तो क्या है एक्चुअली कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, किससे कंसिस्ट होती है? ये मेड अप ऑफ होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने बायो लिया है तो आपको जानना कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी फील्ड में जाओगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं ना, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में भी ना एक लेयर होता है, मतलब इनका जो शेप होता है ना सेल मेम्ब्रेन में, एक ऐसा शेप बनाते हैं, मतलब एक हेड और एक टेल का शेप बनाते हैं। अब ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये हेड वाला पार्ट ऊपर का, तो इस हेड वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं इसे हम? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रो मतलब होता है, ये देखो, हाइड्रो मतलब होता है H2O। H2O क्या होता है? वाटर, यस। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो ये जो हेड होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, उन्हें वाटर पसंद होता है, इसके लिए हेड पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल वाला पार्ट है ना, उसको, ये जो टेल वाला पार्ट दिख रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो टेल वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, राइट, हम कहते हैं ना फोबिया हो गया, मतलब कि डर हो गया, तो फोबिक, ठीक है। तो पोलार हेड्स को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड टेल्स को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरली मैं बता दूंगी कैसे क्या है, इनका फंक्शन भी क्या है, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हम जल्दी से देख लें, क्या होता है, जो नॉन पोलार टेल्स होते हैं ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वाइज एनवायरनमेंट। इसका मतलब जो है ना, हम ये पिक्चर से समझेंगे, ठीक है, ये वाली पिक्चर से मैं आपको उसका मतलब बताऊंगी। अब क्या होता है कि आप देखो, मैंने बताया कि बाहर के ये जो होता है हेड होता है और ये इनका टेल होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि देखो, ऊपर के साइड जो है वो हेड है और नीचे के साइड देखो ऐसे पैर जैसे आपको दिख रहे होंगे, जो नीचे के साइड है ये सब क्या है, ये सब टेल्स है। तो आप देखोगे कि दोनों साइड जो है, यहाँ से तो हेड है और यहाँ से भी हेड है, मतलब देखो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल आ गया,
ठीक है, इसी अटैच्ड, एक सेकेंड, एंड फिर वापस यहाँ पे हेड है और फिर यहाँ पे टेल है। तो आप देखोगे टेल का जो पैर है, जो हाइड्रोफोबिक वाला जो टेल है, वो हमेशा अंदर की तरफ है। कैन यू सी ऑल ओवर ईयर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये सबका जो इनका सबका जो पैर है वो अंदर की तरफ है और जो हेड है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मतलब जो वाटर लविंग है, ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि अब यहाँ पे जो है ना, ये सैंडविच की तरह दिख रहे हैं। किसी तरह दिख रहे हैं, सैंडविच की तरह। देखो अंदर की तरह सारे लेग्स हैं और बाहर की तरह वो अच्छा लग रहा है सैंडविच है, बीच में से ऑनियन वॉनियन का स्लाइस डाला हुआ है, चीज़ का स्लाइस डाला हुआ है, राइट। तो इसलिए बताया गया कि ये सैंडविच की तरह दिखते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, तो ये जो होते हैं ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब ज़्यादातर टाइम पे जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, मतलब उतना नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्रोटीन लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, जो मैं बोला चाहती थी, ठीक है। तो आप इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो है, और देखो इसके कारण जैसे कि ये जो है टेल्स वाला जो रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है। तो बाहर वाला तो अंदर वाटर को आने देगा, बट ये जो अंदर वाला है ना, वो वाटर को अंदर आने नहीं देगा, मतलब टेल्स जो है वाटर को अंदर आने नहीं देगा। बाहर वाले के लिए ठीक है, बाहर के लिए तो चलेगा, लेकिन अंदर जो है इसको ये आने नहीं देगा। इसलिए देखो कि आप दोनों साइड से जो है यहाँ पे टेल्स है एंड ऊपर हेड्स, अगर ऊपर टेल्स रहते हैं नीचे हेड रहते तो वाटर तो फिर आता नहीं वैसे, बट अंदर कैसे भी घुस सकता था। इसके लिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका और इसके कारण जो है, ये जो अंदर का हिस्सा जो है, ठीक है, जो टेल्स वाला जो रीजन है, ये इसको बचा के रखता है, मतलब हेड जो है इनको बचा के रखता है। तो ये बेसिकली मतलब था इस सेंटेंस का कि नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वायर्स एनवायरमेंट, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को पता है क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्यों फ्लूइड? क्योंकि फ्लूइडिटी दिखेगा, आप देखोगे ना ये फ्लूइडिटी है इसका, देखो ऐसे ऐसे चल जाता है, इसका इसे फ्लूइड कहा गया है। मोजाइक पता है क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना मोजाइक का कोई शेप नहीं होता, दे टेक एनी शेप, राइट। तो इनका भी वैसा ही होता है, इनका कैसा भी शेप होता है, ठीक है। इसके लिए इन्हें फ्लूइड मोजाइक कहते हैं। और मॉडल इसलिए क्योंकि सिंगर एंड निकोलसन ने मिलके जो है ये मॉडल निकाला था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन लोग ने अब्सॉर्ब कि जो है ना, ये जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं वो ऐसे स्टेट में पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, सिर्फ ऐसा प्रोटीन्स नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये जो है, देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, बाहर के साइड का। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको, जब ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स एक साथ मिक्सअप होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, जब ग्लाइकोजन और लिपिड्स एक साथ मिलते हैं तो उसे ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मिलेगा, प्रोटीन चैनल्स मिलेंगे जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, जो हम देखेंगे आगे की चीज़ में, तो इतना मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगी, ठीक है। और यस, ये जो लेयर है, ये पूरा जो लेयर है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्या कहते हैं इसे हम? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट वाला ग्रुप, और लिपिड मतलब लिपिड का ग्रुप, और बाय मतलब टू, तो लेयर मतलब टू लेयर, तो इसलिए फॉस्फोलिपिड्स का लेयर बायलेयर, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों को मिलाकर दो लेयर का बनाया गया, एक ऊपर वाला लेयर एक नीचे वाला लेयर, इसलिए फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को क्या मैं बता रही थी? यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स के बारे में मैंने समझा दिया। अब देखो जो नीचे के साइड होता है ना, यहाँ पे जो है ये सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं ना, अंदर की साइड गड़े हुए रहते हैं, ठीक है, अंदर के साइड गड़े रहते हैं, ठीक है। और बाहर के जो ऊपर के साइड होते हैं ना, वो अलग होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो छोटे छोटे येलो कलर के, आप देखोगे ऐसे सर्कल टाइप्स दिख रहे हैं, राइट, जो येलो कलर के आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा, यहाँ पे भी देखने मिलेगा। ये सब जो है पता है क्या है? ये सब जो है, ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल्स भी होती है, राइट, वो भी एक टाइप का फैट जैसा ही हुआ, तो कोलेस्ट्रॉल्स पाए जाते हैं। ना ओनली दिस, आप देखो यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं, मैं दूसरा शेड ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे, ये सारे क्या है? लिपिड्स हैं, ठीक है। कौन से लिपिड्स हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हैं। लिपिड्स तो हमें पता है कि ये ऊपर वाला है, ये हेड वाला रीजन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये। और ये क्या है? ये ब्लू वाले जो दिखेंगे, ये वाले, देखो ये वाला जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये वाला क्या है? ये वाला, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ सच में आया, ओके। अब ये वाले जो, देखो ये बीच से जो निकल रहा है ना ऐसे, ये देखो ये जो ऐसे ऐसे शेप में है, ऐसे ऐसे शेप में है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी कहते हैं। क्या होता है ये? इंटीग्रल प्रोटीन, और या अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी कहते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। अब इनके जो लेयर होते हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो एक सेकेंड। अब देखो इसको अगर मैं पहले मैं जूम कर लेती हूँ उसे, ये देखो जब मैंने इसको यहाँ की साइड देखा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इसको जूम किया, तो आप देखोगे ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर ऊपर से भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको नीचे में भी दिखेंगे, जो हमने नेक्स्ट वाले जो है उसमें क्लिप में देखा था, राइट। देखो ऐसा एग्जैक्टली होता है, ये देखने में लगता है, ऐसे पता चलता है कि क्या है? नहीं, लेकिन ऐसे देखो एक्चुअली में ऐसा होता है,
ओके ओके नेक्स्ट स्लाइड की ओर देख लेते जल्दी से जहाँ पे हम थे। समझ में आया? तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, फिर ये क्या बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या हाँ क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है मैंने बता दी है। अब क्या होता है पता है, ये जो लिपिड्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं वो अंदर बाहर ना ऐसे अंदर जो इंटरनली जो है उनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, वो ऐसे इंटरनली जो है उनका मूवमेंट चलता रहता है। ओके सो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना वो दोनों सर्फेसिस पे नीचे के साइड भी पाए जाते हैं एंड ऊपर के साइड भी जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊपर पे भी मिलेगा आपको और नीचे में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रोटीन सॉरी ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो दोनों साइड ऑफ द लेयर पाए जाते हैं तो ये इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है। देखो यहाँ पे भी बाहर की तरफ है और यहाँ पे भी बाहर की तरफ है, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जो ऐसे होते हैं अंदर की तरफ होते हैं इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं या ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है आगे। और अब इसके थिकनेस की बात कर लेना तो इसका थिकनेस पता है कितना है, 72 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग जो है ये एक यूनिट है। तो ये जो एमस्ट्रॉन्ग होता है ना वो देखो ए है उसके ऊपर से जीरो होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, इसे हम एमस्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो इसकी यूनिट कैसी होती है, 72 एमस्ट्रॉन्ग की इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। और ये जो लिपिड्स होते हैं पता है ज़्यादा किससे बने हुए होते हैं, तो ये ज़्यादा बने होते हैं फॉस्फोग्लिसरेड से, किससे ज़्यादा बने होते हैं फॉस्फोग्लिसरेड से ज़्यादा, ये मेनली ये कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। देखो ये जो था वो एकदम डिटेल्ड डायग्राम था, देख के डर लग रहा था ना, बट नो वेज टू वरी अबाउट इट। देखो ये जो फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन पता है क्या होता है कि जो है ना यहाँ पे अब देखो इसको बैलेंस के लिए ये किस पे कौन से उसमें है, तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, ये फ्लूइडिटी है। तो क्या करता है ये कि ये जो होता है ना साइटोस्केलेटन ये उनको बैलेंस करके रखता है, क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। इसके लिए यहाँ पे देखो कि वायर जैसा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा जो क्रॉस क्रॉस में है, तो ये वायर जैसा जो होता है वो साइटोस्केलेटन होता है जो बैलेंस करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके फिर उसके नीचे से अपना जो नॉर्मल सेल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ पिक्चर में, ये देखो यहाँ पे अब ये है मेम्ब्रेन और फिर उसके नीचे से अपना साइटोप्लाज्म और बाकी के ऑर्गेनल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है एनिमेटेड पिक्टोरियल लुक है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, राइट, यहाँ पे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। फिर इसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो वही इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है या तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स आते हैं। ये आउटसाइड अ सेल का पिक्चर है, ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली में होता है प्रोटीन चैनल्स, यहाँ पे बीच से पैसेज है जाने आने का। ओके फाइन, ठीक है। तो अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल मैंने बताया था किसने इन्वेंट किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। क्या होता है, द मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये डबल लेयर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो डबल लेयर होते हैं बाई लेयर्स होते हैं, राइट। और एक मेन चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं ना ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। व्हाट डज इट मीन सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि ये सारे सब्सटेंसेस को ना अंदर आने जाने में अलाउ नहीं करते हैं, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं अंदर जाने में, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मैं आपको एक्सपेक्ट उसका ना पिक्चर दिखा देती हूँ कैसे। देखो ये बाहर से मॉलिक्यूल है, ये बाहर से आ रहे हैं और ये जो लेयर है ये किसका लेयर है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर का है, ठीक है। अब इस ये अंदर से आया और फिर क्या हो, जैसे ये अंदर आ रहा है, जैसे अंदर की तरफ आ रही है मॉलिक्यूल तो इसको जो है ये कवरिंग मिल जाती है, देखो ऐसे करके उसको कवरिंग कवर अप कर दिया जाता है, मतलब ये जैसे अंदर आया तो इसको ऐसे करके कवर अप कर लिया जाएगा, उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, उस कोटिंग को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी जैसा होता है, जैसे आप देखो अगर कोई आप बैंक में जाती हो या किसी पार्टी में जाते हो तो आपको वो मांगेगा इनविटेशन कार्ड दिखाओ तुम अपना, राइट, तो फिर ही उसको अलाउ करता है जाने के लिए, वैसे ये होता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, जो चीज़ है कैपेबल है वही चीज़ आती है वरना नहीं आती, ठीक है। और इस बात में ये फॉर्म ले लेता है वेसिकल का, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेसिकल्स। तो इसलिए ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये स्लाइड पे अपना आ जाते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर में होता है, ठीक है, मतलब वही फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी नेचर में होता है, फाइन। देन ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक टेल्स। टू कैसे, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी है और ये ऐसे, तो समटाइम्स यू ना जैसे लगता है कि ये जो मिक्सअप है, मतलब ये दो नहीं है ये एक ही है, देखो यहाँ पे जैसे है जैसे लग गया कि ये दो नहीं है एक ही है। अब जो नेक्स्ट है, टेल्स आर फेसिंग ईच अदर इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी पार्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया है। हेड्स आर ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी डिस्कस कर लिया। देखो प्रोटीन्स आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप, ये जो प्रोटीन्स होते हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, इसमें एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पता है क्या होते हैं, जो ना पूरा अच्छे से बाहर से अंदर पूरा ले लेते हैं उन लोग, मतलब एक टाइप का चैनल्स होता है जहाँ से वाटर जो है पास होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें ही बात कर लूँ ना,
या इसमें ही चलो ये वाले से में ले लेते हैं। तो वो जो होता है ना वो पूरा ऐसे ना ऐसे पूरा ऐसे देखो ऐसे करके पूरा पास होगा और उसके कारण ना वाटर जो है ना अब अंदर बाहर होती है, ठीक है, वाटर अंदर बाहर होती है तो एक टाइप का पैसेज होता है, तो इसको भी हम एक टाइप का प्रोटीन्स समझते हैं। कौन सा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांस का मतलब ही होता है ऊपर नीचे से निकल जाना सीधा। देन एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ लिपिड लेयर, ठीक है, मतलब कोई से भी साइड, ऊपर के साइड भी हो सकते हैं, नीचे के साइड भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स अकर एट अ डिफरेंट डेप्थ ऑफ बायलेयर, मैंने देखा एकदम नीचे से भी होते हैं या बीच से भी निकल के आते हैं, बट क्या होते हैं वो अंदर से होते हैं, इसलिए उसको इंट्रिंसिक कहा जाता है और इसको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। ये देखो ये पिक्चर है, हॉरिबल सा लग रहा है ना, जैसे पता नहीं क्या सामने रख दिया, कोई कीड़े को ला के रख दिया, वो अजीब से चलने में है, राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो इन एडिशन द फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि इनके पास कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, येस वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार मार्क डबल स्टार मार्क कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो हमारे RBCs होते हैं, RBCs पता है ना, रेड ब्लड सेल्स, तो RBCs जो होते हैं उनमें जो है लिपिड्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं 52% होते हैं, बट जो लिपिड्स होते हैं वो 40% होते हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स कम होती हैं लिपिड्स, बट बाकी के ऑर्गेनल्स में देखें, बाकी के उसमें देखा जाए तो जो लिपिड्स होते हैं ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे बताना भूल गई थी, एक होता है मेन जो होता है वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स मैंने बताया नीचे की तरफ और अंदर से पूरा लेके जाता है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर के मतलब कोई से भी आइदर ऑफ द टू लेयर्स में पाए जाते हैं, आइदर साइड ऑफ द टू लेयर्स, ठीक है। ये तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें क्या होता है, कैसे उसको कवरिंग कोटिंग मिल जाती है, उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाता है कि हाँ हम इसी पार्टी में आए हैं या हमें इन्विटेशन मिला है, तो एक उनका एक प्रूफ हो जाता है, फिर कोई भी आगे उनसे पूछ नहीं सकता कि तुम भाई तुम कैसे आ गए या तुम्हें किसने अंदर ले लिया ऐसा, ठीक है। तो उनको एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है, फाइन। ओके, सो अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल का एक और कुछ स्टेप्स देख लें, पॉइंट्स देख लें। सो मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, अच्छा ये जो है बार बार दो दो बार आ गई है, जो है ये दो दो बार आ गया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, सेल ट्रांसपोर्टेशन। सेल ट्रांसपोर्टेशन पता है क्या होता है, जहाँ पे जो है ना, अब इसमें जो है ना दो टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, डिफ्यूजन, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है ना ATP का यूज होता है, ATP का मतलब क्या होता है कि एनर्जी, तो एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। वेराज जो ये होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो ऑस्मोसिस होता है उसमें ATP का यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में जाते हैं, बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में जाते हैं। एक एग्जांपल लेके करें, ठीक है। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में जनरल सा जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है ना वैसे एग्जांपल। अब ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हमें नीचे से, ठीक है, यहाँ पे हमने मोटर लगाया हुआ है, मोटर से जो है हमें पानी ऊपर सप्लाई करना है, तो ये नीचे वाला लेयर हो गया हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये ऊपर वाला लेयर हो गया हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर मैं ऊपर से जब पानी नीचे फेंकती हूँ ना, जब मैं ऊपर से पानी को जो है जब मैं नीचे फेंकती हूँ तो जल्दी गिर जाता है, मतलब विद इन अ सेकेंड वो सारे पानी जो है नीचे आ जाते हैं, बट जब हम पानी को ऊपर फेंकते हैं ना तो मतलब बहुत टाइम के बाद जो है वो नीचे आता है। एक और एग्जांपल लेके बताऊँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे अब ये वाटर वाला है, ठीक है, ये वो जो वाटर है विद द हेल्प ऑफ द पाइप के हेल्प से जो है अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको आप मोटर के थ्रू ही ये पॉसिबल है, बिकॉज ऐसे जो अगर हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। विद द हेल्प ऑफ मोटर से ही जो है ये ऊपर जा पाएगा, राइट, ये ऊपर जा पाएगा एंड देन सबके घरों में पानी पहुँच पाएगी, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, डे टू डे लाइफ का ही ले रही हूँ एग्जाम्पल। देखो आप जब हम यहाँ कोई सैटेलाइट्स की बात कर ले, या सपोज हम आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, हम आसमान में फ्लाई हो रहे हैं, अब वो फ्लाई हो रहे हैं हम आसमान में, ठीक है, अगर मैं ऊपर से जब मैं नीचे गिरती हूँ तो विद इन अ सेकेंड टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है नीचे गिरने में, ठीक है, बहुत कम। अगर सपोज मैं 10 मीटर के हाइट से मैं नीचे गिर रही हूँ, 10 मीटर के हाइट से मैं नीचे गिर रही हूँ तो, और ये लैंड है मेरा, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। बट आप देखो कि एरोप्लेन, वो जो है जब आप एरोप्लेन से अगर आप कभी आप फ्लाई किए हो या कभी सफ़र किए हो तो आप देखो कि एरोप्लेन जो है ना धीरे धीरे कर करके जो है वो ऊपर जाता है, बिकॉज हवा है तो उसको बहुत टाइम लेती है ऊपर जाने में, धीरे धीरे करके वो ऊपर निकलता है, राइट। तो इससे सब बताता है कि यहाँ पे एक्टिव या पैसिव हो रहा है। अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी उसको ज़्यादा लग रही है क्योंकि पूरा फोर्स डालना पड़ता है, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो एनर्जी का पूरा हम लो कर देते हैं, उसको एकदम स्लो लेके जाते हैं, समझ में आ रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया, मैंने आपको देखो दो दो एग्जांपल से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और एक और एग्जांपल चलो जल्दी से ले लेते हैं, देखो बिल्डिंग है आपकी, आप अपस्टेयर्स चलते हो, ठीक है, आप किसमें ऊपर ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं आपके, ऊपर ऊपर चल रहे हो, तो जब आप ऊपर चलते हो तो ज़्यादा मेहनत लगती है ना, पैर दुखने लग जाते हैं,
बहुत मतलब मेहनत जैसा लगता है कि बहुत एनर्जी जा रही है इसमें, लेकिन जब आप ऊपर से सीधा नीचे आते हो फटाक से एकदम विद इन अ सेकंड नहीं बट हाँ बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हो। जितना चढ़ने ऊपर में हमें मेहनत लगती है उतना नीचे उतरने में नहीं लगती है। कितने बार भी बोलते हम नीचे उतर लेंगे बट चढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इस सबका एग्जाम्पल होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलमोस्ट 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ हो रहा है और कहाँ से जाता है, वो लोअर पीएच से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में उसका उल्टा होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। अब इसमें अंदर ना 2 प्रोसेस आ जाते हैं। देखो पहले मैं तो एंडोसाइटोसिस बता देती हूँ। अब मैंने याद है मैंने ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर मैं वापस शो कर देती हूँ। देखो इस प्रोसेस को ही कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्या होता है कि बाहर से मटेरियल्स आए और फिर उसने कोटिंग मिली और वो अंदर चला गया, जैसे एंडोस जो साइट सेल के अंदर आना है, एंडो मतलब इनसाइड, तो सेल के अंदर आ जाते हैं जो बाहर के जो मटेरियल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको एंडोसाइटोसिस, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखो ये सेल के बाहर था, अब इसने इसको कोटिंग मिल गई और इसको ये अंदर चला गया, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ठीक है ओके, तो मैं आपको ना डिटेल में बताती हूँ। डिफ्यूजन पता है क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है कि जहाँ पे एयर का यूज़ किया जाता है फॉर द पास, मतलब पास होने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जहाँ पे एयर का यूज़ किया जाता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। देखो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये अंदर जा रहे हैं, आसानी से अंदर जा पा रहे हैं, राइट, आसानी से अंदर जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डिफ्यूजन जो हो रहा है, लेकिन उसको एनर्जी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रही है? उसको एनर्जी लग रही है। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता, ऑस्मोसिस में जो होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको ना अच्छे समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो ये एक अच्छा सा GIF है आपके सामने, यहाँ पे अब ये जो है Na जो है सोडियम का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुआ। देखो स्ट्रक्चर भी देखो ऐसे बॉक्स वाले में है, Na का जो है वो अटैच हुआ, यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी ये पोटेशियम का जो है जो सर्कल में है वो आया, ठीक है, और फिर उसने वापस निकल मतलब निकल गया। अब यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई। देखो यहाँ पे Na बाहर जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो देखो एनर्जी आया था। अब यहाँ पे एनर्जी आया था और बाहर से देखो, बाहर से आपके पास क्या आ रही है? बाहर से आ रही है पोटेशियम, पोटेशियम आया। आप देखो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, उल्टा एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो कोई भी एनर्जी लगा नहीं लगा, यहाँ से एनर्जी निकल गया। देखो वापस देखो सोडियम जा रहा है, ये देखो ATP लगा, एनर्जी लगा, क्योंकि वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। बट लोअर से हायर की तरफ जाना मतलब क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। देखो एक पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर आए वही शेप में, ये चेंज नहीं हो रहे शेप इनके, अब बिना एनर्जी का कुछ किए वो बाहर निकल गए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सच में आया एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो अब तो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ऑस्मोसिस मतलब ये जो वाटर का होता है, ठीक है, डिफ्यूजन मतलब यहाँ पे गैसेस का होता है। डिफ्यूजन का जब गैसेस पास होती हैं तो ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता, ऑस्मोसिस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल्स आए और अपना चले गए, ठीक है, बट इसमें ऐसा होता है। फाइन, समझ में आ गया आपको ये, और ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे टेल वाले रीजन, हाइड्रोफोबिक वाले रीजन हैं। देखो बाहर इन्वायरमेंट से ही आ गया अपना, ठीक है। देखो शेप जो है इसका, अब यहाँ पे सोडियम का शेप ऐसा तो ऐसे ही जा रहा है, पोटेशियम का शेप ऐसा है तो ये ऐसे ही जा रहा है। देखो शेप है अपना जो है वो प्लेस नहीं चेंज कर रहे हैं। ये पैसेज वाला जो होता है हमने पढ़ा अभी, इसे हम क्या कहते हैं? हमने अभी 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 जस्ट पढ़ा है, मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बताने की कोशिश करती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन चैनल कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। समझ में आ गया? आई होप सो आपकी, आपको जो पूरा वीडियो है आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए, ठीक है। और आपको कर देनी है लाइक, और लास्ट चीज़ आपको जो कर देनी है वो है शेयर। ये तीनों चीज़ कर दीजिए एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।